कैसे स्वागत किया जा रहा है, कितना बड़ा मालामाल बना हुआ है और अभी तेजस्वी भैया अभी लाइव है, पूरा देख सकते हैं आप लोग। देखिए अभी तेजस्वी भैया सामने में है, पूरा मीडिया कर्मी के बीच में है यार, आप लोग देख सकते हैं। देखिए तेजस्वी यादव अभी भाषण कर रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है, आप लोग लाइव रहिए, स्किप मत कीजिएगा। लालू जी तो इनकी इच्छा थी कि बिहार में हर जगह जाए, लेकिन सेहत जो है उस वजह से हर जगह घूम नहीं पा रहे, तो लालू जी चाहते हैं कि आप लोगों से बात करें, आप लोगों से संवाद करें, तो पटना पटना अगर हम बुलाएंगे तो आप लोग मजबूती के साथ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तक गाइज अभी हम लोग हैं शिवहर में, शिवहर में इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे तेजस्वी भी आ रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव आ रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, वो आ रहे हैं तो उनसे मिलने के लिए आए हैं। उनका ब्लॉग रहेगा, रैली ब्लॉग। देखिए पीछे पोस्टर भी लगा हुआ है, हर जगह पर तेजस्वी भैया का फोटो लगा हुआ है और फारूक शेख का लगा हुआ है जो सदस्य है विधान परिषद का बिहार के आरजेडी के। तो हम लोग अभी शिवहर में हैं, शिवहर में आ रहे हैं, अभी थोड़ा देर में आने वाले हैं। देखिए गाड़ी वाड़ी पीछे से आ रहा है, जितना गाड़ी आ रहा है सब अभी आने वाला है, तो हम आप लोगों को पूरा व्यू दिखाएंगे। फारूक शेख जो है ना यहाँ के सदस्य, वो आगे चले गए हैं और तेजस्वी भैया के गाड़ी पीछे है, तो आप लोग लास्ट तक ब्लॉग देखिएगा, गाड़ी भी दिखाएंगे, उनसे मिलवाएंगे अगर मौका मिलेगा तो। और गजब ब्लॉग होने वाला है तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए वहाँ पर भी है, शिक्षा विभाग के कोई है, आरजेडी के नेता ही हैं और यहाँ पर देखिए कैसा पोस्टर लगा हुआ है, एकदम स्वागत है तेजस्वी भैया के हमारे शिवहर में। और उधर में बीजेपी का भी गाड़ी आ रहा है गाइस, देखिए बीजेपी के देखिए जिला अध्यक्ष दोनों बगल से आ रहा है, आरजेडी के अथी में बीजेपी के भी गाड़ी आ रहा है, दोनों बगल से जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, तो जिला अध्यक्ष आ रहा है तो उपाध्यक्ष जा रहा है। और यहाँ पर तेजस्वी राबड़ी देवी और एकदम, तो देखिए गाइस अभी हम लोग अंदर चलने वाले हैं, खाली तेजस्वी का ही गाना बज रहा है गाइस। आरजेडी का कोई विधायक आ रहा है, वहाँ पर गाड़ी पर भी विधायक लिखा हुआ है, आपको बताते हैं एकदम डबल सीन लेके। देखिए वहाँ पर जो विधायक लगा हुआ है ना, विधायक है, विधायक कोई है नहीं, लेकिन देखिए गाड़ी है जा रहा है अभी अभी यहाँ पर प्रदेश सचिव, प्रदेश सचिव जा रहा है और बाकी बोलेरो सब पर यहाँ पर प्रशासन भी है। अभी अंदर जा रहे हैं, किसान मैदान में आने वाले हैं, यानी कि किसान ग्राउंड है उसमें आने वाले हैं, तो हम लोग अभी चलते हैं। देखिए कितना लोग अभी जा रहे हैं, पीछे भी पूरा अभी सब जाते ही रहे हैं, तो हम लोग अभी चलते हैं किसान मैदान में जहाँ पर आने वाले हैं। कैसे स्वागत किया जा रहा है, कितना बड़ा मालामाल बना हुआ है और अभी तेजस्वी भैया भी लाइव है, पूरा देख सकते हैं आप लोग। क्या नाम है, देखिए जन विश्वास यात्रा, हार्दिक स्वागत है जन विश्वास यात्रा, जो ये मतलब कोर्ट के बगल में ही, शिवघर जो कोर्ट है ना उसके बगल में ही है, एक किसान मैदान करके है वहाँ पर है। देखिए कितना झंडा लगा हुआ है और इधर भी यहाँ से गेट है एंट्री गेट, और इधर में भी एक क्या है, इधर में एक मैदान है लेकिन इसमें नहीं आने वाला है, इधर आने वाले हैं। हम लोग चलते हैं अभी गाइस, देखिए नज़ारा यहाँ का। आज हम लोग किसान मैदान में अभी एंट्री कर गए, किसान मैदान में देखिए यही है अध्यक्ष आरजेडी का, अध्यक्ष का गाड़ी लगा हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ है अध्यक्ष आरजेडी का, और इधर में भी गाड़ी वाड़ी लगा हुआ है। और देखिए तेजस्वी भैया को आने के लिए कैसा गाड़ी सजाया गया है गाइस, इधर एक बार दिखाते हैं, आगे लालटेन का है, आगे लालटेन है, और ये कैसा, ये कौन सा मॉडल है, ये थार जैसा है, थार जैसा है लेकिन ओपन कार है, जिप्सी ये मतलब ओपन जिप्सी है गाइस, जिसका नाम भी उतना नहीं पता है। और वहाँ देखिए पूरा पंडाल उंडाल लगा हुआ है, कितना लोग हैं और पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। इधर यहाँ का नज़ारा देखिए, पूरा नज़ारा है, वहाँ पर क्या लिखा है, जन विश्वास यात्रा शिवहर की पावन धरती पर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। और यहाँ देखिए पानी टंकी के बगल में है, पानी टंकी है यहाँ का लोकेशन। और इधर देखिए पूरा पंडाल में सब आदमी, सिर्फ आरजेडी के और तेजस्वी भैया के आने के लिए, स्वागत करने के लिए यही गाड़ी को सजाया गया है लालटेन के रखकर, और उसमें झंडा वंडा भी लगा हुआ है, ओपन जिप्सी है। और यहाँ भी अध्यक्ष का गाड़ी लगा हुआ है, इधर का नज़ारा देखिएगा कितना मस्त है, तो हम लोग अभी आगे चलकर दिखाते हैं। यहाँ के स्वागत में घोड़ा भी दौड़ रही है, और देखिए
कितना मस्त मस्त दो घोड़ा है और इसका चाल देखिए कितना अच्छा है। अभी आने वाले हैं थोड़ा देर में तेजस्वी भैया, इसलिए परसौनी तक आ गए हैं, शायद सीतामढ़ी से आ रहे हैं। देखिए घोड़ा भी आया है स्वागत के लिए और बाकी देखिए यहाँ पर फायर वायर की गाड़ी भी खड़ा है और एम्बुलेंस भी खड़ी है। बाकी यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, अभी भाषण चल रहा है जिला अध्यक्ष का और बाकी कुछ नेतागण का। देखिए अभी तेजस्वी भी यहाँ सामने में है, पूरा मीडिया कर्मी के बीच में है यार, आपको जिंदाबाद 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 भैया, हाथ लाइए हाथ लाइए जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखिए हरियर गमछा, अभी देखिए तेजस्वी भैया मुरेठा बांध लिए है और निकाल भी दिए। बिहार के भावे मुख्यमंत्री जिंदाबाद। ए भैया देखिए देखिए कितना बड़ा माला है गाइस, देखिए ऐसे ही हम लोगों का मुख्यमंत्री बनाकर इनको जयमाला कराना है गाइस। देखिए हमारे तेजस्वी भैया ऑन द लाइव है, ऑन द लाइव तेजस्वी भैया तेजस्वी यादव जिंदाबाद। देखिए तेजस्वी यादव अभी भाषण कर रहे हैं, ये स्टार्ट हो रहा है, आप लोग लाइव रहिए, स्किप मत कीजिएगा। अभी हम भीड़ में फंसे हैं, भाई झंडा हटाओ झंडा। बिहार की सबसे अगर कोई बड़ी पार्टी है तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है, इसमें आप सब लोगों का
बार शुरुआत है और एक बार नहीं पंद्रह का चुनाव है या 20 का चुनाव है। आप लोगों ने लगातार प्यार भरोसा और विश्वास आप लोगों ने जिताने का काम किया राष्ट्रीय जनता दल पर और शिवहर की जनता तो जानती है। झंडा लालू जी ने ही बनवाने का काम किया, इसको कोई नहीं भूल सकता। लेकिन आप लोगों के बीच चुनाव में मौका मिला था, आप लोगों से हम अपील किया था कि एक मौके पर भाई पटेल तेजस्वी को दीजिए। लोगों को सरकारी नौकरी देगा और शिवहर जिला के दोनों विधानसभा आप लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के झोल में बेलसर से संजय गुप्ता जी को जिताया और यहाँ से चेतन आनंद को घबरा करके आनन फानन में बेईमानी किया और 10 से 15 सीट हम लोगों को कोई 12 वोट से कोई 50 वोट से कोई 100 वोट से हम लोगों को हराया। वरना आज ओरिजिनल जो महागठबंधन की सरकार है उसकी सरकार होता और 5 साल तक मजबूती के साथ हम लोग सरकार चलाने का काम करते हैं। लेकिन उस चुनाव में मुख्यमंत्री जी की पार्टी जो है तीसरे नंबर का था और यही अफसोस है उनको कि भाई तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। और आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है तो हम सब लोगों ने देखा होगा कि फिर से हमारे चाचा जो है देखिए मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारा सम्मान था सम्मान है सम्मान रहेगा हमारे आदरणीय थे हैं रहेंगे लेकिन बिहार की जनता देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर कारण क्या है। अपने से आते हैं अपने से चले जाते हैं, ऐसा कभी देखा कि नौ बार ओथ ले चुके हैं सीएम पद तो 5 साल के लिए ना होते हैं, ये अभी 3.5 साल हो ही रहा है। 3.5 साल सरकार को हो गए हैं थोड़ा सा ले चुके ही दूर है जुड़े रहिए 20 में लिया 2022 में लिया और फिर अभी बहुत रास्ता है लेकिन आगे है फिर से इन्होंने शपथ लेने का काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद इधर से उधर इधर से उधर अगर मुख्यमंत्री अगर करेगा तो सरकार में स्थिरता नहीं रहती है और स्थिरता नहीं रहेगी किसी भी सरकार में तो विकास का काम जो है वो
हर जगह भाजपा जो है स्थिर सरकारों को तोड़ रही है, खरीद रही है और सीबीआई ईडी के डर से सबको डरा करके भाजपा लेटेस्ट ऑपरेशन चालू की हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कहा आदरणीय लालू जी से माफी मांगी, हमारी मां से माफी मांगा और उन्होंने यही कहा कि हमको माफ कर दीजिए, हमारे पार्टी को भाजपा वाला लोग तोड़ रहा है, एक मौका दीजिए, चलिए लेकर के 2024 में बीजेपी को नरेंद्र मोदी को रोकने का काम करते हैं। नहीं चाहते थे हम लोग, जानते थे काहे नहीं चाहते थे, चाचा नहीं रोका पिता रोकेंगे, अरे कोई गारंटी है भाषण में तो हमने भाजपा वाले लोगों को बोला, अरे मोदी जी के गारंटी वालों, मोदी जी की गारंटी बहुत मजबूत है, हम मोदी जी को चैलेंज करते हैं कि मोदी जी हमारे चाचा का गारंटी ले सकते हैं कि पार्टी में कड़े पड़ते हैं। हम लोग पास में हैं तेलंगाना भैया के पास में, जुड़े रहिए आप लोग। और अभी तो भाजपा का एक और डिप्टी सीएम नहीं, दो दो डिप्टी सीएम है, दोनों साथ बैठे हुए थे, एक दूसरे का टुकड़ टुकड़ मुंह देख रहे थे, खेल रहेगा भाई गारंटी इनके, कोई गारंटी नहीं ले सकता, हमको तो पता था, लेकिन देश भर के नेताओं ने सब लोगों ने हम पर दबाव डाला, सभी देश भर के विपक्षी के दलों के नेताओं ने कि नहीं ले लीजिए, अगर वो सच्चे मन से आ रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है तो लालू जी बड़ा दिल दिखाइए और बड़ा दिल दिखा करके नीतीश जी को माफ कर दीजिए, हम लोगों ने फिर से उनको अपनाने का काम किया। लेकिन नौजवान भाइयों, हमारा एक शर्त था, हम बोले नीतीश जी से कि हमने वादा किया था 2020 में कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, और बोले हम आपको बाहर से समर्थन कर देते लेकिन लागू कर दीजिए, सबके नौकरी दे दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहे नहीं, आप भी आइए सरकार में शामिल हुए, आप भी उप मुख्यमंत्री बनिए और मिलकर काम किया जाएगा। आपको याद है कि 20 में हम कहे थे, 2020 में हमने कहा था नौकरी देंगे 10 लाख, तो हमारे चाचा ने क्या कहा था, पैसा कहाँ से आएगा, अपने बाप के पास से आएगा, और हमने उस समय साइंटिफिक अध्ययन किया था, लेकिन जो मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है, जो मुख्यमंत्री कहते थे अपने बाप के पास से पैसे लेगा, उन्हीं के हाथ तो आपका बेटा तेजस्वी ने, आपका भाई तेजस्वी ने 5 लाख सरकारी आज उसको नौकरी के बारे में बात करना पड़ेगा, बेरोजगारी को हटाने के बारे में बात करना पड़ेगा, एक ही भाग में 2 लाख नौकरियां निकलेगा, नियुक्ति पत्र बांटेगा, 4 लाख शिक्षकों को राजकीय दर्जा हमने दिया, मानदेय बढ़ाया, टोला सेवक का, तालमी मरकज का, विकास मित्र का, आंगनबाड़ी दीदियों का, अभी हमने फाइल कर दिया था 6 महीने पहले, स्वास्थ्य विभाग ने 1.5 लाख वैकेंसी हम निकाल के आए,
मुख्यमंत्री जी बोला अभी रुकिए 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 कीजिए। 1,30,000 वैकेंसी निकाले वो आज नहीं तो कल हो करके रहेगा। इसमें चिंता करने की बात नहीं, आपका बढ़ाई आपके लिए आप शिविर में आए। सब लोग हाथ उठा के बताइए साथ दीजिए सरकार ने हमने करके दिखाने का। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालो यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकारी नौकरी दिलाने का। शिवाय का एमपी कैसा हो? यानी खेलोगे मिडिल और पढ़ोगे लिखोगे आपको सरकारी नौकरी। तेजस्वी भैया जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। कुछ लोग मोदी जी के बेटी उन्होंने नौकरी दिलाई, ठीक है मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हमने बोला कि भाई सरकार तो हम लोगों की है, इसमें क्या मतलब है। लेकिन आजकल नीतीश जी कहते हैं कि सरकार की नौकरी भाई दी, हम समाज 17 साल से करते हैं, 17 बढ़ गए क्यों? और आप ही ना 20 में कहते हैं संभव था, बाप के पास से कैसे लाए। बोलते थे मोदी जी थी हमको मौका दो, साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। आज बताओ रेलवे में आर्मी में क्या हो रहा है, पहली बार निकल रहा है बता दीजिए। हम ही लोग कहते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं ईमानदारी से, पहली बार आपने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का बात किसके मुंह से सुना? ईमानदारी से कलेजा तक करके बताइएगा, पहली बार आपने किसके मुंह से 10 लाख नौकरी के बारे में सुनने का काम किया? हम लोगों ने करके दिखाया है, लेकिन अभी मिलजुल करके आप सब करेंगे। सब लोग चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब लोगों को एकजुट रहना है, मुद्दे की बात करनी है, लोगों को जोड़ने का काम करना है। सभी अति पिछड़ा समाज के लोग, सभी हमारे दलित समाज के लोग, महादलित को, आदिवासी भाई, सबको मान सम्मान आप लोगों को देने का काम करना है। गरीबों को सीने से लगाना है। कुछ लोग कहते हैं बी से बहुजन, ए से आगरा, दूसरा ए से आदियाबादी और पी से पुआ। सब आ गया कि नहीं आ गए? बहुजन भी आ गए, आगरे भी आ गए, आपका आधा आबादी जो महिला है वो भी आ गई, और जो गरीब है वो भी आ गए। हमारी तो थी थी, तो ये माई बाप की पार्टी है, हम लोग सबको लेके चलेंगे। और माई बाप अगर पार्टी है तो A to Z की पार्टी है, ये सबों की पार्टी है। तो उसने आप सब लोग एकदम मजबूती के साथ रहिएगा, एकजुट रहिएगा, हमसे वादा कीजिए पक्का। सरकारी
से मेरा पॉलिटिकल इंश्योरेंस करा था। हम लोग आज तक मोदी जी के सामने भाजपा के सामने घुटना टेके इनकम टैक्स से सीबीआई से अरे इन लोग के गीदर भपकी से हम लोग भरे वाला है। अरे लालू जी नहीं झुके, लालू जी के लड़के झुके। अरे आप लोग हैं मेरे ताकत है, इसलिए ताकत आप हो, विजन तो इसलिए आप शिवहर की जनता के बीच हम लोग आए। आज इससे पहले मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, फिर अभी शिवहर, फिर मोतिहारी, हम लोगों को जाना है। हम आपके लिए काम करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। मुख्यमंत्री के बेटे हैं हम, दो बार खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दूसरी बार नेता प्रतिपक्ष बन रहे हैं। हमको कुछ नहीं चाहते, हम खाली चाहते कि बिहार के लोग आगे बढ़े। बिहार हमारे 15 साल से भाजपा के सांसद और 10 साल से नरेंद्र मोदी जी। बताइए शिवहर जिले के लिए नरेंद्र मोदी जी ने या यहाँ की सांसद ने कोई कारखाना लगवाया, कोई नौकरी बांटा, महंगाई कम की, रोका क्या, किसानों का है दुगुना किया, तो कहे मोदी जी को वोट दीजिए? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम तो 17 महीने आए अपना कान गिरा के, ये लोग जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन हमने मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन जब भी मौका मिला 17 महीने उसी मुख्यमंत्री रहने का जो हमने कहा था वो करके दिखाने का था। यही मुद्दा भटकाने के इन लोग जो है मंदिर मस्जिद करता रहेगा। ऐसी दुश्मन अगर कोई है तो बेरोजगारी ऐसी दुश्मन है। शिवहर जिले नहीं बना होता तो आज जो विकास दिख रहा है वो भी नहीं दिखता। इसलिए आप सब लोगों के बीच आने का मौका मिला है और सभी चुना जी हो, कांग्रेस के विधायक उपेंद्र पासवान जी, पूरे संगठन पे जितने बच्चा जी हो, सब लोग पुराने संगठन में जुड़े हुए लोग, सब लोग को धन्यवाद देते हैं। और आप सब नेताओं से और कार्यकर्ताओं से यही कहेंगे कि गरीब के बीच रहिए, गरीबों के दुख और खुशियों में भागीदार बनिए। आपको जो कठिनाई आए जनता के लिए उसके मजबूती के साथ खड़े होकर उसका सामना कीजिए, समाधान कराने का कोशिश कीजिए। आपको कर्जी बैंक भी नहीं अकेले मिलेगा। यहाँ के विधायक हमारा छोटा भाई जैसे लेकिन वो
इस पर हमको कुछ नहीं कहना देते हैं एक लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं एक बात बोले बिहार में हर जगह जाए लेकिन सेहत जो है उस वजह से हर जगह घूम नहीं पा रहे तो लालू जी चाहते हैं कि आप लोगों से बात करें आप लोगों से संवाद करें तो पटना अगर हम बुलाएंगे तो आप लोग मजबूती के साथ आए।